हे गाइस, कैसे हैं? शॉर्ट वीडियो सीरीज के इस भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष का सबसे लंबा हिंदी शब्द कौन सा है? इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शॉर्ट वीडियो सीरीज के इस भाग में हम सीखेंगे रेलवे स्टेशन रिलेटेड वर्ड्स इन हिंदी। तो चलिए जल्दी से शुरू करें। तो आइए सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए दो सबसे महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानें। सबसे पहला शब्द है ट्रेन, जिसका हिंदी नाम है लौह पथ गामिनी। और हमारा दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, वो है रेलवे स्टेशन, जिसको हम हिंदी में लौह पथ गामिनी विराम स्थल कहते हैं। चलिए अब हम रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए कुछ अन्य शब्दों के बारे में भी जान लें। ट्रेन, जिसे हम रेलगाड़ी भी कहते हैं, फेयर या प्राइस को हम हिंदी में किराया कहते हैं। अराइवल मींस आगमन, डिपार्चर मींस प्रस्थान, कंपार्टमेंट मींस डिब्बे, डिस्काउंट मींस छूट, वेटिंग रूम को हिंदी में हम प्रतीक्षालय कहते हैं और एयर कंडीशन को हम हिंदी में वातानुकूलित कहते हैं। फर्स्ट क्लास मींस प्रथम श्रेणी, सेकेंड क्लास मींस द्वितीय श्रेणी, थर्ड क्लास मींस तृतीय श्रेणी। अपर बर्थ को हम हिंदी में ऊपरी शायिका, मिडिल बर्थ को मध्य शायिका, लोअर बर्थ को निचली शायिका और साइड बर्थ को बगल की शायिका कहते हैं। टाइम टेबल को हिंदी में हम समय सारिणी कहते हैं। लगेज मींस सामान, रिजर्वेशन मींस आरक्षण, कैंसिलेशन मींस रद्द करना, सीट नंबर मींस आसन क्रमांक, कोच मींस रेल के डिब्बे, इंफॉर्मेशन डेस्क को हम हिंदी में जानकारी काउंटर कहते हैं, कंफर्मेशन मींस पुष्टिकरण, डिले मींस विलंब। एज पर माई प्रोमिस, अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हिंदी का शब्द, और वो शब्द है ये लौह पथ गामिनी सूचक दर्शक हरित ताम्र लौह पट्टिका। क्यों, दिमाग चकरा गया क्या? चलिए मैं इसे एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देती हूं। ये शब्द है लौह पथ गामिनी सूचक दर्शक हरित ताम्र लौह पट्टिका। आइए अब मैं इस शब्द का उपयोग किस चीज के लिए होता है वो बताती हूँ, और इस बड़े से शब्द में उपयोग होने वाले सभी छोटे शब्दों के बारे में डिटेल में बताती हूँ। दरअसल भारत का सबसे बड़ा हिंदी शब्द कई अन्य शब्दों से मिलकर बना है, और वे शब्द हैं ये लौह मींस आयन, पथ मींस अ पाथवे, गामिनी
विच इज़ ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट। इसमें जो शब्द है लौह पथगामनी, उसका एक्चुअल मीनिंग है ट्रेन। फिर है सूचक विच मीन्स इंडिकेटर अ पॉइंटर। देन दर्शक विच इज विजिबल। हरित विच मीन्स ग्रीन। ताम्र विच मीन्स कॉपर। एंड अगेन लौह इज आयन। एंड पट्टिका विच मीन्स बोर्ड। और आप जानते हैं ये सभी शब्द किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं? इसके लिए। क्यों? ये सोचकर आपका दिमाग चकरा गया कि ये सिंपल से हरे बोर्ड का नाम इतना बड़ा हो सकता है। जी हाँ, इस रेलवे स्टेशन पर लगे हुए हरे बोर्ड का नाम है लौह पथगामिनी सूचक दर्शक हरित ताम्र लौह पट्टिका। तो आपको कैसा लगा ये जानकर, इसे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो की हेल्प से आपको रेलवे स्टेशन रिलेटेड वर्ड्स को हिंदी में सीखने में बहुत हेल्प हुई होगी। तो अब आप कभी भी अगर रेलवे स्टेशन जाएं और कभी शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ कोई शब्द दिखे तो उसे समझने के लिए इस वीडियो को जरूर ओपन करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अपने आइडियाज, कमेंट्स और सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।